गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम योर फेस। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू काजल के रिव्यूज एंड डेमो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काजल जो मैंने लिया है वो है फेसेस कनाडा का ये मैग्नेट आइस काजल, जो मैंने परचेज किया है purple.com से। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 180 रुपीज, बट मैंने इसे परचेज किया है 143 रुपीज में। एक्सट्रीम ब्लैक कोल, विटामिन ई एनरिच्ड, वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो चलिए इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं इसे ओपन करने वाली हूँ एंड आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, सिंपल कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आती है ये पेंसिल एंड यहाँ पर आपको आपका प्रोडक्ट दिखेगा। कलर काफी अच्छा है इसका, रेड कलर की काजल है। सो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। काफी स्लिम ट्रिम काजल है एंड ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि आपको ओके रोल ऑन टाइप में आपको काजल मिलेगी। सो रोल ऑन टाइप में काजल होने से हमारा ये फायदा हो जाता है कि हमें काजल को शार्प नहीं करना पड़ता एंड हमारा काफी सारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है मेबलिन न्यूयॉर्क से ये द कोलोसल काजल एंड इस पे लिखा है लास्ट 24 आवर्स। सो ये हम टेस्ट कर लेंगे आज। दिस इज ऑल्सो स्मच प्रूफ एंड डीप ब्लैक एंड इसकी प्राइस है 180 रुपीज, बट मैंने इसे परचेज किया था समथिंग अराउंड 129 और 135 रुपीज। तो ये भी मैंने purple.com से परचेज किया था। सो चलिए इसे भी मैं ओपन कर लेती हूँ एंड इसकी भी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, इस टाइप का कार्डबोर्ड है जिसमें पैक्ड है ये। सो आप देख सकते हैं इसका कलर येलो है, आउटर पैकेजिंग का जो कलर है वो येलो कलर है काजल का। तो आप देख सकते हैं काजल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है एंड यहाँ पर लिखा है मेबलिन न्यूयॉर्क द कोलोसल काजल। ये भी रोल ऑन फॉर्म में ही आती है बिकॉज मैं ऑलरेडी इसे यूज कर चुकी हूँ एंड आई लव दैट। सो आप देख सकते हैं इस टाइप की प्रोडक्ट है। सो चलिए वन बाय वन दोनों काजल को टेस्ट करते हैं ये कितने स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये फेसेस कनाडा की काजल एंड इसे मैं अपनी वाटर लाइन पर एंड अपने अपर लाइन पर भी एज अ आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे हमें पता चलेगा ये कितनी ज्यादा स्मूथ है, कितनी डार्क है, कितनी इंटेंस है। सो चलिए इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। सो काजल काफी स्मूथ है, बहुत इजीली ग्लाइड हो रही है, बहुत इजीली लग रही है आइस पर। तो चलिए मैं इसे अपनी वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। सो काफी डार्क एंड इंटेंस है ये एंड काफी बटर सॉफ्ट है, बहुत इजीली ग्लाइड हो रही है आइस पर। सो यस गाइस, काफी अच्छी काजल है। सो तब तक मैं अपनी दूसरी आईज पर अप्लाई कर लेती हूँ ये मेबलिन की काजल एंड ये भी काफी बटरी सॉफ्ट एंड काफी इजी एप्लीकेशन के साथ आती है। लाइक सीरियसली गाइस, दिस काजल इज ऑसम। मैं ऑलरेडी इसे यूज कर चुकी हूँ। सो आप देख सकते हैं ये भी बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगी आपकी आईज पर। इसे मैं एज आईलाइनर भी अप्लाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं काफी इंटेंस है, डार्क है, बटर स्मूथ है। सो काजल ऑब्वियसली मुझे पसंद आई है ये। सो दोनों काजल्स मुझे काफी पसंद है। सो गाइस, कोई भी काजल आप कितनी भी अच्छी से अच्छी काजल ले ले, वो एकदम टोटली 100% स्मच प्रूफ नहीं होती है। वो 100% में से नियर अबाउट 10% तो वो स्मच करती ही करती है, बट डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि आपका काजल स्मच प्रूफ रहे। सो हमेशा काजल अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका काजल स्मच प्रूफ रहे तो आपको हमेशा कॉम्पैक्ट अप्लाई करना पड़ेगा अपनी वाटरलाइन एरिया के पास, जिससे काजल बहुत जल्दी से स्मच नहीं होगा। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कॉम्पैक्ट थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे काजल अपनी प्लेस पर ही रहे एंड जल्दी से स्मच ना। तो गाइस, अब काजल कितना वाटरप्रूफ है ये टेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा पानी एक कॉटन पर, बिल्कुल इस तरीके से, बिकॉज अगर थोड़ा सा पानी होगा या स्वेट होगा तो वो इतनी ही क्वांटिटी में होगा, लाइक आप कंप्लीट पानी के नीचे नहीं बैठ जाने वाले हैं काजल अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली। सो इसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपनी आईज पर एंड मैंने यहाँ पर इस आईज पर अप्लाई किया था फेसेस का काजल एंड
मैं इसे हल्का सा रब कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं गाइज सीरियसली ये काजल वाटरप्रूफ है एंड काजल बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हुआ है, बिल्कुल भी लाइट नहीं हुआ है, कम्प्लीटली अपनी जगह पर है, स्मज नहीं हुआ है। सो यस गाइज 110% ये काजल वाटरप्रूफ है। टेस्ट कर लेते हैं अपनी राइट आई पर जहां पर मैंने अप्लाई किया है मेबलिन कोलोसोल काजल। सो इसे भी मैं एक कॉटन पैड पर इस तरीके से वाटर को स्प्रे करूंगी। तो अब इसे मैं अप्लाई करूंगी अपनी इस आई पर, अच्छे से प्रेस करूंगी एंड देन इसे थोड़ा सा स्मज भी करूंगी इस तरीके से एंड देन मैं इसे रिमूव करती हूँ। ओह माय गॉड, सो ये काजल भी बिल्कुल स्मज प्रूफ है। यस गाइस दोनों काजल वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ है, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट मिलता है एंड प्राइस नियर अबाउट 180 रुपीज है दोनों काजल के। नायका पर ट्राई करेंगे जब कोई अच्छा डिस्काउंट चल रहा हो तो आप इसे आराम से 130 से 140 के अराउंड परचेज कर सकते हैं। एंड यस गाइस ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप कि आपको मजा आया होगा इस रिव्यू में एंड अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।